जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम के जो टर्म वन एग्जामिनेशन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये हर स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। साथ ही साथ हमारे मन में एक डर भी बैठ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी एमसीक्यू में एकेडमिक लेवल पे थोड़े डिसकंफर्टेबल होते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सर एमसीक्यू पेपर आने वाला है तो हम थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपको और ज्यादा डिटेल्ड और माइन्यूट माइनर चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप थ्योरी की तरह उसमें रिलेटेड आंसर लिख पाए। वहां पर आपको करेक्टनेस और एग्जैक्टनेस के साथ आंसर देना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आप एमसीक्यू की तैयारी कैसे करें, किस तरह से आप अपने एग्जाम में सफलता पाएं। सबसे पहले जान लीजिए कि अब आप ये देखिए कि आपके पास टाइम कितना बचा है। तो दोस्तों ये मानकर मैं चलता हूँ कि आपके एग्जाम अक्टूबर या नवंबर, दोस्तों अक्टूबर लास्ट में या नवंबर से आपके एग्जाम हर बोर्ड के स्टार्ट होने वाले हैं, कहीं ना कहीं टर्म वन एग्जामिनेशन, तो आपके पास ये 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों टाइम को स्प्लिट कर लीजिए। कहने का मतलब आप जितने भी टाइम अगस्त में बचा है, जितना भी टाइम आपका सितंबर में बचा है, उस टाइम को अपनी थ्योरी पर आप बहुत फोकस करिए। आप बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो थ्योरी का क्या काम है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप देखते हो जेईई मेंस, नीट, एनडीए, सीडीएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट पे बेस्ड होते हैं, पर उनमें बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी की डिमांड होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वो पॉइंट पूछता है जिसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो कि ये तो बहुत इजी पॉइंट है, ये मुझे आता है, इसे पढ़कर मैं क्या करूंगा। तो यहां पर एग्जामिनर आपको भाप लेता है, वही आपका बोर्ड भी आपकी टेस्टिंग करेगा। अब आप लोग पूछोगे सर हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर नहीं दिए हैं, किस तरह से हम तैयारी करें। तो देखिए सबसे पहले अपने आप 1.5 महीने अगस्त और सितंबर को इसको आप कम से कम थ्योरी पर कमांड रखिए। कहने का मतलब जितनी भी थ्योरी है आपकी साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कम से कम इनकी थ्योरी पर कमांड आप कर लीजिए। साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी देखिए, और जो अगला 1 महीना बच रहा है अक्टूबर का महीना, उसमें आप जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो पाए लिमिटेड टाइम में करना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 1 महीने बचेंगे और आपको यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस में ही पढ़ना है। इसके पहले ये था कि हम 12th क्लास तक कहीं ना कहीं एमसीक्यू से उतने परिचित नहीं होते थे, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पेपर देते थे, लेकिन अब आपके बोर्ड ने ये चेंजेस लाया है तो आपको इस चेंजेस के अंदर एडॉप्ट करना होगा। कहने का मतलब ऐसा ना लगे कि आप नए पैटर्न पे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इस बात का जरूर प्रयास करें कि आप क्वेश्चंस से इतने ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाएं, इतना क्वेश्चंस को देखकर स्टेबल हो जाएं कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे पहली बार कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर देने जा रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि वहां पर आपके पास कटपिट का ऑप्शन नहीं है। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और आप एक बार जो गोला भर देंगे उसके बाद उस गोले को आप ना कट कर सकते हैं ना उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सावधानी से आप पेपर करना शुरू करें। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कैसे अपना पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जानिए कि कमांड ऑन योर थ्योरी, आप हमेशा अपनी थ्योरी पर कमांड कर लीजिए। जो भी आपके पास टेक्स्ट है, जो भी आपके पास कंटेंट है, आपकी एनसीईआरटी किताब है, आप कोई रेफरेंस बुक को रिफर करना चाहते हो, उससे आप पढ़ करके पहले थ्योरी रिकमेंड कर लो कि अगर मुझे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरी थ्योरी इतनी अच्छी है कि मैं सवालों को कर लूंगा। दूसरी बात, पेपर का लेवल आप जान लीजिए, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, तो देखिए पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, तब पेपर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि न्यू पैटर्न है, बोर्ड भी ये जान रहा है। कहीं ना कहीं आप सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से उतना ज्यादा परिचित नहीं होते, क्योंकि ना ही आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना ही आप नीट और आपको जेईई एग्जाम का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए बोर्ड भी जानता है, तो बोर्ड के हिसाब से ही पेपर एक नॉर्मल लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट होगा, उसमें आपको काम करना होगा। तीसरी बात है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उनको जरूर पढ़िएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंस्ट्रक्शंस को ही नहीं पढ़ते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो पेपर में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ओएमआर शीट में आपके जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये आपका बोर्ड का एकेडमिक लेवल पे एग्जाम है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग के लिए आप सभी एकदम निश्चिंत रहें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
अगली बात बता देता हूँ, जब भी आप OMR के क्वेश्चंस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पर आप सिर्फ एक क्वेश्चन में एक ही सर्किल कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन को। ऐसा नहीं कि आपने ए को कर दिया फिर आपको याद आया कि नहीं ए तो गलत है और मुझे सी को करना चाहिए था। तो यहां पर आपको बचना है ऐसा करने से, उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है। अगली बात आती है कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें। देखिए पेपर को आप स्ट्रेटेजाइज करिए, कहने का मतलब यह है कि आपके देखिए मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे होंगे, यानी ऑन द गो आपको आ रहे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को पहले प्रयास करिए। इसके बाद दूसरे वो प्रश्न है जिनमें आप अटकोगे, जिनमें आपको थोड़ा समय लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैं कर लूंगा, पर थोड़े कैलकुलेटिव है, थोड़े सोचने वाले प्रश्न है, हालांकि मैं इस आंसर तक पहुंच सकता हूं। तो फिर जो ऐसे प्रश्न है, मान लीजिए कि आपने 100 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ऑन द गो, अब आपके पास 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते तो हैं पर थोड़े कैलकुलेटिव हैं, अब उनको आप सेकंड राउंड में उनको करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चंस में मान लीजिए कि आपने 28 क्वेश्चंस या 29 क्वेश्चंस तक कर दिए, थोड़े कैलकुलेटिव हैं, थोड़े आराम से उनको पढ़िए फिर उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस बचे 20 क्वेश्चंस जो आपको एकदम नहीं आते हैं, तो उनमें आप हमेशा ऑप्शन वाले क्वेश्चन में सबसे बढ़िया जो मेथड होता है एमसीक्यू को सॉल्व करने का, वो होता है इलिमिनेशन मेथड। यानी इस मेथड में आप ये चेक करते हो कि कौन सा आंसर में नहीं होगा। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इंटेंसिटी की यूनिट, अगर आपसे लुमिन इंटेंसिटी की यूनिट पूछा जाए, तो आप बहुत सारे आपको देगा जूल, वॉट, ऐसे बहुत सारी चीजें देंगी आपको, एम्पियर, तो आप जान रहे हो कि ना तो जूल होगा ना वॉट होगा ना एम्पियर, तो आपका जो लास्ट ऑप्शन बचेगा कंडेला, वही आपका आंसर वहां पर होगा। तो इलिमिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते हैं इन चीजों में। आप जैसे मैथमेटिक्स से कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको मान लीजिए 125, 625 ऐसे करके ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उसमें बहुत अलग होगा, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम केस में आंसर वही पर होता है, आंसर वही होता है, तो आप उसको करने का प्रयास करें। अगली बात ध्यान रखें कि आप पेपर की लाइक माहौल कैसे बनाएं। सबसे पहले यही है कि अगर आप चाहते हैं इस पेपर में आप सक्सेसफुल हों, तो आप अपने घर में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। अब आपको करना यह है कि आप मार्केट से जाएं और कोई भी अच्छा क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर आप परचेज कर लें, क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, बाहर से एकदम आ गई है, अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग तरह की बुक निकाल रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि आपको जो बेस्ट लगती है, जो आपको ये लगता है कि मैं इसको समझ पा रहा हूं, उसके पैटर्न को समझ पा रहा हूं, आपको केवल एग्जाम के पैटर्न को समझना है। देखिए कोई भी सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक से पेपर बहुत ज्यादा नहीं आता, उसी बेसिस पर पेपर आता है, क्योंकि वो आपको पैटर्न सिखा देते हैं। और इस बार तो वही लड़का सक्सेस होगा, वही छात्र छात्राएं सक्सेस होंगे जो पैटर्न को समझ लेगा, जो लिमिटेड टाइम में एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करेगा। तो आप जब क्वेश्चन बैंक को लेकर के आए, क्योंकि अब आपने थ्योरी तैयार कर ली है, तो आप लास्ट एक महीने में क्वेश्चन बैंक और इनको लाने के बाद आप क्वेश्चंस को लगातार लगाते चले जाएं, टाइमर के साथ लगाएं कि आप लिमिटेड टाइम में उनको कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे और आपकी सफल होने की चांसेस बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों यही एक सबसे रामबाण स्ट्रेटेजी है, यही एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, जिसको आप लगा करके इस बार अपने एग्जाम को अच्छा करेंगे, ओवरकम करेंगे और उम्मीद है कि अपने रिजल्ट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे हमें कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।